वेलकम दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं होंडा अमेज ईएमटी बेस मॉडल। स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें फॉग लैंप्स अवेलेबल नहीं है। फ्रंट में इसमें एक क्रोम प्लेट दी गई है, ये इसके लुक को बहुत एनहेंस कर रही है और इसे एक स्टाइलिश लुक दे रही है। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमें कंपनी फिटेड व्हील कवर नहीं मिलते। आप चाहें तो बाहर से अलॉय व्हील्स इसमें लगवा सकते हैं। ओ आर वी एम इसमें ब्लैक कलर में है और ये मैन्युअली ऑपरेटेड हैं। इसके डोर हैंडल्स भी ब्लैक कलर के हैं। वैसे तो ये कंट्रास्ट कलर में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इनको बॉडी कलर में भी चेंज करवा सकते हैं। इसमें कंपनी फिटेड सेंटर लॉक सिस्टम नहीं है, जो मुझे इसका एक ड्रॉबैक लगा। नई होंडा अमेज की खास बात यह है कि इसका लुक पूरा चेंज कर दिया गया है। पुरानी अमेज से इसकी बिल्कुल भी रिजेम्बलेंस नहीं है और इसे एक बहुत स्टाइलिश लुक दे दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर व्यू। इसमें हमें ऑल फोर पावर विंडो मिलती है। इसके स्टेयरिंग में पियानो फिनिश दिया गया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं है। इसका बेज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन तो सुपर्ब लग रहा है और आप देखिए गाड़ी कितनी स्पेशियस है। इसकी फ्रंट सीट्स देखिए, इसमें हेडरेस्ट नॉन एडजस्टेबल हैं। इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ABS, EBD और ड्यूअल एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। ये हमने आपको व्यू दिखाया था इसके टैकोमीटर का और इसके साथ ही आपको डिजिटल क्लॉक भी मिल जाती है। यहाँ चार्जिंग के लिए एक आउटलेट दिया गया है और साथ ही आप देख पा रहे हैं कप होल्डर्स। इसके साथ ही यहाँ और एक्सेसरीज के लिए भी बहुत स्पेस दिया गया है। एज यू सी, इसका डैशबोर्ड भी काफ़ी स्पेशियस है। आइए अब आपको दिखाते हैं इसकी पीछे की सीट्स। ये देखिए इसका लेग रूम, यहाँ पे हमें बहुत ही स्पेशियस लेग रूम मिल जाता है। इसके साथ ही प्रीमियम बेस कलर की जो सीट्स मिलती हैं, सीट्स की कुशनिंग बहुत ही कंफर्टेबल है और लॉन्ग ड्राइव में भी आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। इसका रियर व्यू देखिए कितना शानदार है। टेल लैंप्स को ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है और इसके पार्किंग सेंसर्स बेस मॉडल से ही अवेलेबल हैं, जो अमेज के सभी वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। आइए अब हम आपको इसका बूट स्पेस दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें हमें 420 लीटर का बहुत ही स्पेशियस बूट स्पेस मिल जाता है। इसमें हमारे लार्ज साइज के बैग्स भी बहुत आसानी से अकोमोडेट हो जाते हैं। इनिशियली कुछ लोगों की ये कंप्लेन आई थी कि इसमें बैक गियर में वाइब्रेशन का इशू है। मैं इसे काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रही हूँ, मुझे तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छी ना लगी हो तो अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा।